ये चौंसा आम है जी भाई, ये चौंसा आम है, ये जो है 150 रुपए किलो है। और ये आपके वाला कौन सा है? पंद्रह किस तरह चौंसा ये हमारे पास काला चौंसा है और चिट्टा चौंसा है, इनका दोनों का रेट जो सेम ही है। अच्छा, और ये अमूल का सेम गोला है या दूसरा है? अच्छा, दूसरा अमूल है और ये 200 रुपये। अच्छा तो भाई ये जो है गोला अंगूर है, ये 200 रुपये के जी है, माशाल्लाह अच्छा साफ सुथरा अंगूर है। अच्छा, तो बिलाल भाई जरा आप एक प्लीज़ एक आपके पास से आपके पास दूसरा नहीं है वो? ये तो हो गया गोला, मिसाइल है आपके पास? मिसाइल नहीं है सर, मिसाइल मीठा होता है। वो क्यों लाए तो मिला नहीं या खुद नहीं? अच्छा अच्छा, मजाइल है, मजाइल हमारे पास जो होता है ना, जो मजाइल है उसको सुंदरहानी कहते हैं, सुंदरहानी कहते हैं, वो सुंदरहानी मीठा होता है। ये गोला जो होता है वो थोड़ा सा असल पति के आते भाई, ये जो सामान है बारिशी है इसलिए वो जो है थोड़ी शार्टिंग सर। आगे चले प्लीज, आगे की तो जाना अभी खत्म हो गया, आगे बारिश थोड़ी है, उस साइड पे चले पेड़ूंगा पूछना नहीं पड़ा हुआ है। हाँ जी सर, भाई इधर है भाई, आप मेरे पास आए ना, इधर आए आगे बात बिजी करते हो इधर। हाँ जी सर, ये जो हमारे फौजी भाई हैं, ये हमारे मामू हैं। अच्छा, काम करते हैं बड़े गोश्त का, माशाल्लाह अच्छा गोश्त जो है सेल करते हैं, और आम लोगों ने भी इनको यही बोला है कि कोशिश किया करें जानवर अच्छे से अच्छा लाएं, ठीक है, और दुकानदारी भी अच्छी होगी और आपकी दुकान की जो है वैल्यू भी बनेगी। ये सोनी भाई है, ये जो बड़े गोश्त की दुकान जो है ये है, बड़े गोश्त से छोटा गोश्त भी होता है इनके पास। क्या रेट रखा हुआ सर? आज क्या रेट है सर? आज तो दुकान ही बंद है सर, आज दुकान ही बंद है इन आज अत भाई बड़े गोश्त की है, वैसे जो हमारा रेट जो है वो 800 रुपये किलो है। अच्छा, 800 रुपये किलो है। चार तीन कप बोली थी आपको, एक कप क्यों लेके आए हो? आपने मैंने पूछा था आपको भी चाय पीनी है या नहीं पीनी, आपने बोला कि मैं नहीं चाय पीऊंगा। नहीं, वो भाई फरियाद के लिए, भाई फरियाद के लिए। हाँ जी, वो उमर भाई ने बोला था एक कप लेना है, तो मैंने एक ही कप ले आया था। अच्छा, जाओ दो कप और लेकर आओ, दो कप और लेकर आओ। हाँ जी, दूध पत्ती, पानी पत्ती? पानी पत्ती नहीं, दूध पत्ती। दूध पत्ती? हाँ जी, दूध पत्ती। अच्छा जी, पानी कम? पानी कम। हाँ जी, पानी कम, दूध ज्यादा। हाँ, मैं कहता हूँ ये जो हमारा चैनल जो है आप लोग देखते हैं, इसको लाइक किया करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो है ना लाइक करेंगे तो चलो लाइक करें और लाइक करें और क्या लाइक करें और क्या होता है सब्सक्राइब करें, ये आपने खुद ही कहना है जो मैंने कहना है। आप क्या कर रहे हैं? गोभी जो आ जाइए, इसको छांटी कर रहे हैं क्या? इसमें बहुत ज्यादा गंदी निकल आई है, इसे नजर से देख रहे हैं, अच्छी निकली है या ज्यादा गंदी निकली है? ज्यादा खराब निकली है। अच्छा, ये बकरी साफ खा रही है या गंदी खा रही है? हाँ तो भाई कह रहे हैं कि गोभी जो आज आई है ना, ज्यादा जो है थोड़ी गंदी निकली है, ये बहुत नुकसान हो गया हमारा। नुकसान तो हुआ, पर हमारी ये कोशिश होती है जो कस्टमर को चीज देनी है वो कोशिश करते हैं साफ ही हो, साफ ही हो, अपना नुकसान जो है हम जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, बस कस्टमर को जो है हम गंदी चीज नहीं देते। हाँ जी, तो इधर जरा आगे आए तो ये बकरी का बताया नहीं, ये साफ खा रही है या गंदी खा रही है? इसका ये जो है पत्ते खा रही है, जो जानवर है। हाँ जी, इनकी भी रोजी इतनी लगी हुई है। अच्छा, हमारी भी इधर लगी हुई है, हमारी भी इधर ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जैसा कि आपको आप देख रहे हैं कि ये ना बहुत ज़्यादा गंदी है, इसको छांटी करके साफ करके फिर लगाएंगे। अच्छा, ये बताएंगे इसका रेट क्या लगाया हुआ शलजम का? आज शलजम 100 रुपये किलो है जी, 100 रुपये किलो है शलजम जो है जी। जी, तो ये बंद गोभी का 100 रुपये किलो है जी। अच्छा, बंद गोभी जो है वो भी आज 100 रुपये किलो है जी। असल आते भाई, असल प्रॉब्लम ये हुई है कि कल जो है काफ़ी बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से जो है ना सब्जियाँ वगैरह जो है थोड़ी सी डैमेज हुई हैं, तो फिर भी हमारी कोशिश जो है यही है कि साफ से साफ जो है ना सब्जी लगाएं और कस्टमर को दें, चलो कस्टमर थोड़ी जल्दी करो। तो ये अरबी कैसे है? अरबी 150 रुपये किलो जी। अरबी जो है ये आते भाई 150 रुपये किलो है माशाल्लाह। और ये आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरी अरबी है हमारे पास, फ्रेश आई है, आज आई है।
तो अच्छा आगे मास्टर जी ये कैसे शिमला 200 रुपए किलो है जी। शिमला जो है ये आज 200 रुपए किलो, ठीक है। तो कद्दू, कद्दू 60 रुपए किलो है जी। हाँ तो भाई ये जो बोल कद्दू देख रहे हैं ना आप, इसका रेट जो है आज का 60 रुपए किलो है। 60 रुपए किलो कद्दू है, फ्रेश कद्दू आया हमारे पास। आगे चले, आगे चले, पीछे पाइप रियाद है, आगे चले, पीछे बारिश हो रही है। करेले का रेट क्या? करेला 100 रुपए किलो है जी। अच्छा आते भाई, करेले का रेट जो है आज 100 रुपए किलो है। माशाल्लाह करेला तो बहुत काफी बड़ा है। अच्छा, और ये खीरे 120 रुपए किलो है जी। खीरे जो है आते भाई ये 120 रुपए किलो है। और लेमन, नींबू जी ये 50 रुपए पाव है। किलो लेमन जो है वो किलो कैसे हुए? 200 रुपए किलो। और ये हरी मिर्च कैसे है? 40 रुपए पाव है जी, 160 रुपए किलो है। अच्छा अच्छा, 140 नहीं है साहब, 40 रुपए पाव है। 40 रुपए पाव है। अच्छा गोभी 180 रुपए किलो है जी। गोभी 180 रुपए। हाँ भाई नाजम भाई, टमाटर कैसे हैं? टमाटर भाई बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह। रेट भी बताया। अच्छा टमाटर कैसे हैं? डिटेल नहीं पूछी है, रेट दो सौ रेट की है। सवाल सर पूछा है टमाटर कैसे हैं। अच्छा भाई थोड़े जो बच्चों भाई, हाँ जी टमाटर का क्या रेट है? सर टमाटर 120 रुपए किलो, फ्रेश टमाटर है। अच्छा आगे हो भाई फरियाद साहब। अच्छा मासी के रेट है मटर का? बोला 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 बोला, ये बहुत महंगा है वो मटर है, ये काफी जो है महंगा है, काफी महंगा है। तोरी कैसे है? कोशिश करते हैं कि कम से कम रेट जो है लगाए। अच्छा यही महंगी है, और क्या सावन में जो है थोड़ी होती है प्रॉब्लम। सावन में कैसे है? सावन में 50 रुपए किलो है जी। और तोरी है? तोरी 60 रुपए किलो है। 60 रुपए किलो है। अच्छा जी मासी के आलू का क्या रेट है आज? आलू 80 रुपए किलो है जी, 400 रुपए दड़ी। तो वो जो उस साइड पे पड़ा हुआ नया आलू वो 60 रुपए किलो है। 60 रुपए। प्याज? प्याज 60 रुपए किलो है जी, 300 रुपए की दड़ी। प्याज तो आप लोगों ने डाले ही नहीं आज इसमें लैक में, आप लोगों ने डाले नहीं। ये हमारे चाचू हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं ये चाचू हमारे, पसीना आया हुआ है। ठीक है तो बिलाल भाई ये बताया आज केले का रेट क्या लगाया हुआ है? केला जो है आज 150 रुपये दर्जन है। तो सेब, सेब जो है 150 रुपये किलो है माशाल्लाह। सर एक मिनट पर आओ चेक भी करा, के आम है ये? आम जो है 150 रुपए किलो है आते भाई। सर नाम पता है कि ये कौन सा आम है? ये वाला।